आजकल हमारे यहाँ हमारे माशरे के अंदर दो बातें बड़ी खतरनाक हैं जो रोजे के फायदे को बर्बाद करने वाली है। एक मजलिस हराई गपशप, यानी रोजे में बैठे मजलिस जमी हुई है, गपशप हो रही है, कभी इस पर तबसरा हो गया, कभी उस पर तबसरा हो गया और बेकार वक्त जाया हो रहा है। अरे खुदा के बंदे, इतना वक्त अल्लाह का नाम लेके सर्व करते तो रमजान की एक रमजान के अंदर 70 गुना तुम्हें एक जिक्र का फायदा 70 गुना मिलता, वो छोड़कर तुमने गपशप शुरू कर दी और मजलिसें आबाद कर ली, वक्त उसमें जाये हो रहा है। ये चाहे फर्ज करो उसमें कोई नाजायज बात भी ना हो, मसलन फर्ज करो, लेकिन लंबी मजलिस जमी हुई है और खूब बातें हो रही हैं, चलो जायज ही सही। खुदा के बंदो, ये महीना अल्लाह ने ऐसे दिया था कि इसकी एक एक लम्हा जो है वो कीमती था, वो जो तुमने फजूल बातों में वक्त जाया कर दिया उसके मुकाबले में अगर कुरान की एक आयत तिलावत कर लेते, कोई एक अल्हम्दुलिल्लाह एक जिक्र कर लेते तो तुम्हारे लिए 70 गुना सवाब मुझे मिल जाता, वो छोड़कर तुमने बेकार वक्त जाया कर दिया। ऐसा है जैसे कोई सोने की डलियां को ठुकरा कर ठीकरे जमा कर ले। और खास तौर पर देखो, ये जो मजलिस होती है गपशप की मजलिस, इसको हम गपशप कहते हैं, वो अमूमन किसी ना किसी गुनाह से खाली नहीं होती, कभी ना कभी उसमें किसी का जिक्र आ जाएगा, उसकी गिबत हो जाएगी, कभी उसके किसी की दिलाजारी हो जाएगी, कुछ ना कुछ। मजलिस, कोई मजलिस हमारी खाली नहीं रहती इस किस्म की चीज़ों से, तो कोई ना कोई गुनाह में मुबतला हो गया, बजाय इसके कि तिलावत कर लेते इतनी देर में गुनाहों में मुबतला हो गया।